अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको सबको भी पता है पाकिस्तान का प्लेयर्स लोग सभी अभी इंडिया में पहुंच चुका है, उनको वीज़ा मिल गया, हमारा को वीज़ा अभी तक नहीं मिला। इंसान का एक तरीका है, क्या करूं बोलो, गवर्नमेंट बोले तो ऐसे रहता है। बट मेरा एक दरका से प्लीज़, अभी मैं 2 महीना से ज़्यादा हो गया, मैं रुक को मेरा वीज़ा थोड़ा जल्दी से जल्दी आगे लेके आओ। एक्चुअली अभी 90% ख़त्म हो चुका है वीज़ा का प्रोसीड, एक 10% है, वो आपको पता है क्या 10% का क्या वजह है, क्या पता आपको पता है। इस वजह से मेरे एक दरका से प्लीज़, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीज़ा का आगे को लेके जाओ। मेरे को सफ़र और भी आगे जाना है, और भी 5000 किलोमीटर समथिंग नज़दीक हो रहा है, और भी जाना है। आपको हर चीज़ में पिन टू पिन डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है, पिन टू पिन आपका पास है, मेरा तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट पूरा आपका पास है। बट वीज़ा के लिए जल्दी जल्दी करो, क्यों बोले तो अभी ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। क्यों बोले तो मेरा एक नियत था, जल्दी से जाको उधर, जाको टाइम स्पेंड करना, आप बोलो मक्का मदीना में जाकर टाइम स्पेंड करने का मेरा एक इरादा था। उसको वजह से मेरा एक दरख्वास्त कर रहा है, मेरा एक रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ जल्दी जल्दी वीज़ा आगे को लेके जाओ। उसका क्या पेंडिंग में रखा वो आगे को लेके जाओ, छोटे से काम पेंडिंग में है उसका आगे लेके जाओ, मेरा सफ़र भी आगे जाएगा। आप कितना आगे लेके जाएगा, मेरा भी सफ़र इतना जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। इंशाल्लाह आपके ऊपर विश्वास है, आपका एक बात जबान दिया था उसके ऊपर विश्वास है, आपका आदमी लोग भी इंडिया में पहुंच चुका है, मेरा को भी उधर पहुंच को जल्दी जल्दी सफ़र चालू करना है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखो सब लोग भी, मैं भी दुआ करूंगा और सब लोग भी मेरे के लिए स्पेशली दुआ करना है। इंशाल्लाह सफ़र हो जाएगी, सफ़र बिल्कुल 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 स्टॉप नहीं होने वाला हूँ। मेरे को टाइम है करके बोल के मैं रुका है, मेरा एक डेट है वो डेट तक मैं रुकूंगा इंडिया में, मेरा एक डेट है वो डेट तक रुकूंगा। अगर वो डेट के अंदर नहीं मिला तो इंशाल्लाह मेरा सफ़र चालू करको। मेरा नियत क्या है, मैं इधर टाइम स्पेंड करने का टाइम है ना, ये टाइम का स्पेंड करने का भी अच्छा वाला, मैं उधर मक्का में हराम में जाकर टाइम स्पेंड करूँगा, मेरे को बहुत बड़ा ये मिलेगा। हराम में जाकर मैं टाइम स्पेंड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इरादा हज करने का, मेरा इरादा हज करना है, हज कबूल होना है, अल्लाह का सद दुआ करना है, नबी का दर्जा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह दर्जा को बोलना है, वो मेरा मन है। बट एक एक आदमी का एक दूसरा भी इरादा रहता, जाने के रूट में ऐसे जाना करके ये कह रहा था। बट मेरा पाकिस्तान का जाने का इरादा नहीं था, मैं पहले ही बताया था, पहले मेरा घर से निकलने का पहले ही मतलब बताया था आपको। किधर भी जाकर देखे तो पता चलता है मैं पाकिस्तान का अभी तक नाम ही नहीं उठाया, दिल्ली आने के बाद मैं पाकिस्तान का नाम उठाया है। क्यों बोले तो उन लोग वीज़ा दे रहा है बोल को मेरा कॉन्फिडेंस दिया, उसका वजह से मैं उठाया। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्यों बोलते उनको पता चको, उन लोग का दिल कन्वर्ट होने के चांसेस रहता है। एक इंसान का है ना, एक इंसान का दिल अलग टाइप रहता है, सबका एक ही टाइप दिल नहीं रहता है, अच्छा वाला भी रहता है, बुरा वाला भी रहता है। एक आदमी का बात सुन को चेंज होने वाला भी रहता है, एक आदमी का बात सुन को गुस्सा होने वाला भी रहता है। इसको वजह से मेरा एक इरादा है, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वीज़ा मिलेगा बोल को। इंशाल्लाह सब लोग दुआ करो, मैं भी आप लोग को सब लोग स्पेशल में सफ़र में भी दुआ करूँगा, सफ़र का दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करेगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।